काफी सारे सीपीए नेटवर्क्स और मैक्स बाउंटी भी बिगिनर्स को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों को काफी बार अप्लाई करना पड़ता है किसी भी सीपीए नेटवर्क में एक्सेप्ट होने के लिए, बिकॉज अगर आप सीपीए मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको किसी भी सीपीए नेटवर्क में एक्सेप्ट होना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना आप सीपीए मार्केटिंग करना शुरू नहीं कर सकते हो। हमें यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो सीपीए नेटवर्क है वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो प्रो हो, जो ज्यादा पैसे कमाए, जिसको सारी नॉलेज हो, बिकॉज अगर आप ज्यादा पैसे कमाओगे तो वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आप एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, एग्जैक्टली मेथड कॉपी करते हो, तो आप किसी भी सीपीए नेटवर्क या मैक्स बाउंटी में भी डेफिनेटली एक्सेप्ट हो जाओगे। और अगर जानना चाहते हो कि सीपीए मार्केटिंग क्या होती है तो मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है, माई बटन में ऊपर दे दूंगा, तो पहले वो वीडियो जाके देख लेना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपको डेफिनेटली किसी भी सीपीए नेटवर्क में एक्सेप्ट होने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो आपको जब सबसे पहले आप कंप्यूटर पे आओगे, आपको खोलना है maxbounty.com, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, उसके बाद आपको क्लिक करना है आर यू एन एफिलिएट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये सब चीज दिखेगी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है बिकम एन एफिलिएट। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा आपकी डिटेल्स वगैरह, तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स अपनी भर के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरा ऑलरेडी मैक्स बाउंटी के साथ अकाउंट है, तो मैं दोबारा क्रिएट नहीं करूँगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं एग्जाम्पल के लिए एक अकाउंट बनाता हूँ। गाइज, मैक्स बाउंटी बहुत ही अच्छा सीपीए नेटवर्क है, आपको हर तरीके के ऑफर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए तो आप किसी भी और सीपीए नेटवर्क में एक्सेप्ट हो जाओगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस भरने हैं, ये आप नॉर्मली भर लोगे आराम से। मैं यहाँ पे भर देता हूँ दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर, और यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। और आपको ये सब चीजें एकदम एग्जैक्टली भरनी है जैसे यहाँ पे पूछी गई हैं, और कोई भी यहाँ पे फेक चीज नहीं भरनी है आपको कि आप ये सोचे कि मैं अपना नाम की जगह मैं किसी और का नाम डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे लोग अपना नाम नहीं यूज करते, किसी और का नाम यूज करके बनाते हैं। बट जब पेमेंट आएगी तब आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपको पेमेंट में पेनीर का अकाउंट यूज करना पड़ेगा, और पेनीर का अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, तो जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फिर बाद में आपको चेंज करवाना पड़ेगा अपने अफिलिएट मैनेजर को कह के। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही सही चीज डिटेल्स भरिए। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पे ये पूछा है व्हेन कैन यू बी रीच्ड, मतलब वो आपको कब कॉल कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली वो कॉल करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे इवनिंग चूज करिएगा, बिकॉज इवनिंग चूज करने से 8 या 9 बजे शाम के कॉल आता है मैक्स बाउंटी का, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि स्काइप हैंडल या MSN या याहू, तो आप स्काइप एंटर कर दीजिए और या जो भी आपके पास हो, और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे पूछा है हाउ डिड यू हियर अबाउट मैक्स बाउंटी, तो यहाँ पे मैं गूगल लिख देता हूँ। ये सारी डिटेल्स आप नॉर्मली आराम से भर लोगे, बिकॉज ये सब तो हमें पता ही होता है। यहाँ पर आप पूछ रहा है कि एड्रेस, तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। अब ये जो चीज है ना, ये जो आया एक्सपीरियंस, ज्यादातर अफिलिएट नेटवर्क्स यहीं पर आपको रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपने क्या क्या क्वेश्चंस डाले हैं सिक्योरिटी में, वो सारे मैटर नहीं करते, वो सब एक्सेप्ट हो जाते हैं। जो मेन आप रिजेक्ट हो गए जिस चीज पे, वो इसी चीज पर हो गए कि आपने यहाँ पर क्या भरा है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वही चीज करनी है अगर आप एक्सेप्ट होना चाहते हो, और आप एक बार में एक्सेप्ट हो जाओगे, बार बार आपको ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा करना, कोई भी चीज अपने इस तरफ से मत लगाना, जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी और पेस्ट करना।
तो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कि कंप्लीट बिगिनर हो या थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है बट आपको पेमेंट नहीं मिली है, या आपको पेमेंट मिल गई है आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या आप एकदम एक्सपीरियंस हो और काफी पेमेंट ले चुके हो। तो मैंने जब मैंने स्टार्टिंग में मैक्स पॉन्टी पे अकाउंट बनाया था तो मैंने यहाँ पे यूज करा था आई हैव सम एक्सपीरियंस और मैंने यूज करा था आई एम अ कम्प्लीट बिगिनर, तो दोनों ही केस रिजेक्ट हुए थे। तो आपको यूज करना है आई एम एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड हैव रिसीव्ड मेनी पेमेंट्स फ्रॉम नेटवर्क। इससे क्या होगा कि उनको एक चीज ये हो जाएगी कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि उनको एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो हमसे ये पूछेंगे कि आपको पेमेंट मिली है तो उसका स्क्रीनशॉट दो, या आप क्या क्या करते हो, ऐसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। बट इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि जब वो आपको फोन करेंगे तो वो क्या पूछेंगे और आपको क्या आंसर करना है उसका। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे भरना है आई एम एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड हैव रिसीव्ड मेनी पेमेंट्स फ्रॉम नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब योर पास्ट एक्सपीरियंस इन अफिलियट मार्केटिंग। यहाँ पर आपको भरना है कि आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है अफिलियट मार्केटिंग में, आपने क्लिक बैंक के साथ काम करा हुआ है, आपने जेवीजू के साथ काम करा हुआ है, और आपने ऑलमोस्ट हर निश में काम करा हुआ है, हर निश के प्रोडक्ट आपने प्रमोट करे हुए हैं। आपको ऐसी ही चीजें यहाँ पे लिखनी है जिससे कि ये पता चले कि आप एकदम एक्सपीरियंस्ड बंदे हो और आप काफी साल से इस इंडस्ट्री में हो, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो आपको ऐसी ही चीजें लिखनी है यहाँ पे, आपको लिखना है कि आप 3 से 4 साल से काम कर रहे हो, आपने हर निश में काम करा हुआ है, आपने काफी अफिलियट नेटवर्क के साथ काम करा हुआ है जैसे कि क्लिक बैंक, जेवीजू, शेयर असेल। बस आपको ये नॉर्मली 2 से 3 लाइन्स लिखनी है, बस पूरा पैराग्राफ नहीं आपको लिखना, 2 से 3 लाइन्स लिखनी है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आप लिखा है हाउ डू यू इंटेंड टू प्रमोट ऑफर्स, मतलब कि आप ऑफर्स कैसे प्रमोट करोगे, आप क्या मेथड यूज करोगे। यहाँ पर आपको कोई भी फ्री मेथड का यूज नहीं करना है, मतलब कि आपको ये नहीं लिखना कि आप कोरा यूज करोगे या फेसबुक ग्रुप्स यूज करोगे, बिकॉज अगर आप ऐसा लिखोगे तो उनको ये लगेगा कि आप कोरा में या फेसबुक ग्रुप में जाके स्पैम करोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि आप फेसबुक मार्केटिंग, बिंग मार्केटिंग यूज करोगे ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए, और आप ज्यादातर सर्वे ऑफर, डेटिंग ऑफर, गेमिंग ऑफर्स को प्रमोट करते हो, ठीक है, बिकॉज मैक्स पॉन्टी में ज्यादातर डेटिंग ऑफर्स, सर्वे ऑफर्स और गेमिंग ऑफर्स ही होते हैं। तो आपको यही लिखना है, सिर्फ 1 या 2 लाइन में आपको लिखना है, और आपको पूरा पैराग्राफ यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाओगे अगर आप ये चीज जैसे मैं बता रहा हूँ वही चीज आप एग्जैक्टली लिखोगे। उसके बाद यहाँ लिखा है व्हाट ऑफर्स आर यू लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे लिख देना है आपको कि गेमिंग, डेटिंग और सर्वे ऑफर्स। उसके बाद यहाँ पूछा है कि योर वेबसाइट यूआरएल, तो जो भी वेबसाइट जो आपके नाम पर हो, जिसके अबाउट सेक्शन में आपका नाम हो या आपकी ईमेल आईडी डली हो, तो आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो उसकी जगह आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है, जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल में जो हमारी जहाँ पे कवर फोटो होती है वो वाला जो पेज होता है, आपको उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, वो चल जाता है, उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग। उसके बाद यहाँ पूछा है इज दिस अकाउंट फॉर इंसेंटिव ट्रैफिक, इंसेंटिव मतलब कि आप लोगों को पैसे दे के यहाँ पर ऑफर फुलफिल करवाओगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है नो, ठीक है। उसके बाद इफ यस डिस्क्राइब द इंसेंटिव, तो आपने नो सिलेक्ट करा तो कुछ नहीं, अब आपको कर देना है नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा बिकॉज मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर आएगा टर्म्स, टर्म्स में आपको जो भी वहां पे एक्सेप्ट करना हो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक पेज आएगा जहां पर आपके अफिलिएट मैनेजर का ईमेल आईडी या उसका स्काइप आईडी लिखा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका जो स्काइप आईडी है उस स्काइप आईडी पर आपको मैसेज करना है और 1 से 2 बार उसको कॉल करिए शाम को। मतलब कि अगर आपने यहाँ पेज पर स्काइप आईडी जो भी लिखा है, आप उस स्काइप आईडी पे जाइए, उसको एक मैसेज कर दीजिए कि आपने आपका नाम जो भी है आप अपना नाम मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए कि आपने एप्लीकेशन डाली है मैक्स बाउंटी में, और आप उसको 1 से 2 बार कॉल कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आप प्रेफरेंस में आ जाते हो, और दूसरी चीज ये पता चलती है कि आप रियली कंसर्न्ड हो यहाँ पर काम करने के लिए। मतलब आप कोई ऐसे बंदे नहीं हो कि अगर एक्सेप्ट हो गई तो ठीक है, अगर नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं। तो इसीलिए आप उनको पहले कॉल करिए इससे पहले कि वो आपको कॉल करें, ठीक है। तो आप 1 से 2 बार उनको कॉल करिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि जब वो आपको कॉल करेंगे, जब आपका फोन इंटरव्यू होगा, मोस्ट केसेस में फोन इंटरव्यू होता है
तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। वो आपको ये पूछेंगे कि आपका नाम पूछेंगे, तो आपका जो नाम जो भी है, जो भी आपने एप्लीकेशन में भरा है वो नाम आपको बताना है। उसके बाद वो पूछेंगे कि आप ऑफर्स कैसे प्रमोट करोगे, तो आपको ये बोलना है कि आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग यूज करोगे और बिंग एडवर्टाइजिंग यूज करोगे और आप कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करोगे। और आपको एक चीज बोलनी है कि आप लैंडिंग पेज यूज करोगे और अपना जो भी ट्रैफिक है वो लैंडिंग पेज पर भेजोगे, उसके बाद आप अपने ऑफर पर भेजोगे। आपको ये नहीं बोलना है कि आप डायरेक्ट लिंकिंग करोगे, मतलब सीधा ट्रैफिक आप अपने ऑफर पर भेजोगे, ऐसे आपको नहीं बोलना है फोन इंटरव्यू में। आपको बोलना है कि आप लैंडिंग पेज बनाओगे, लैंडिंग पेज बनाने के बाद आप फिर जो ट्रैफिक है उसको आप ऑफर पर भेजोगे, ठीक है। तो आपको जब इतना आप बोलोगे तो वो कह देंगे ठीक है, हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।